वेलकम फ्रेंड्स, आ जाइए सभी। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ओके। और जो हमारा पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा बच्चों, उसकी जो हमें तैयारी करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, कैसे हमारी तैयारी करेंगे। और कई बच्चों का जो डाउट था वो ये था सिलेबस के बारे में कि सर सिलेबस कवर हो पाएगा या नहीं। तो सभी चीज़ों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम की अगर बात करें, देखो अभी तक एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है एग्ज़ाम कब है, लेकिन एग्ज़ाम जो है बच्चों ये मान के चलो बहुत जल्दी हो जाएगी। यानी हमारा जो टारगेट रहेगा आपका सिलेबस कवर करवाने का, तो हम कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो है जनवरी तक हमारा सिलेबस पूरा हो ले। क्या रहेगा हमारा टारगेट कि यानी कि 1.5 से 2 महीने में जो है हम पूरा सिलेबस हमारा अच्छे से कर लेंगे, और जो है वीकली हमारा टेस्ट लेके चला करेंगे ताकि जितना भी हम स्टडी करेंगे उसका टेस्ट रहेगा, कि ताकि आपको ये पता चले आपकी तैयारी क्या। और दूसरी बात बच्चों, हल्के में लेना नहीं है, एक एक नंबर की वैल्यू है, ठीक है। और एचटेट जिनका क्लियर है तो उनको ये नहीं सोचना है नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं बच्चों, अभी ये मान के चलो कि अब 2016 के बाद ये वैकेंसी अब निकली है, तो ये नहीं पता आपकी कि ये कब निकलेगी, तो इसलिए ये मत सोचना नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। एक एक पॉइंट की वैल्यू, एक एक नंबर की वैल्यू है, इसलिए क्या है हार्डवर्क करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो देखो बच्चों, लाइव क्लास का टाइमिंग ऐसा रखेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो लाइव क्लास में प्रेजेंट हो पाए। मॉर्निंग में या आफ्टरनून में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं या कई ऐसी हाउसवाइफ है तो उनको घर का काम होता है, तो हम ऐसी टाइमिंग रखेंगे कि जो है मैक्सिमम कर पाए, ठीक है। तो दो अलग अलग लेके चलेंगे हम क्लास। हम स्टार्टिंग जो करने वाले हैं वो हम स्टार्टिंग करने वाले बच्चों नंबर थ्योरी से, क्योंकि यहाँ से आपका मैं एक बार आपकी कंटिन्यूटी बनाना चाहता हूँ। कंटिन्यूटी आपकी जब बन जाएगी तो फिर हम अच्छे से लेके चलेंगे। तो इजी पेपर को स्टार्ट करता हूँ, या एक आपका लेके चलने वाले नंबर थ्योरी और एक हम लेके चलने वाले हैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये दो पेपर हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले नंबर थ्योरी की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इसकी टाइमिंग हम रखने वाले हैं 5 PM पे, ठीक है। 5 PM से 6 PM चले जो भी चलेगी हमारी, 1 घंटा चले 1.5 घंटा चले जो भी है, टॉपिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स की क्लासेस जो हम रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं हम 8 PM पे, 8 PM to 9 PM। ये हमारी जो है क्लास रहेगी सेपरेट, नंबर थ्योरी और कॉम्प्लेक्स हमारा चलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चों, लाइव क्लास के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, ठीक है। अगर मैक्सिमम की बात करूँ ना मैं, तो मैक्सिमम आपका जो हमें कोर्स करवाना ना ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि सर हमारा सब्जेक्ट कवर होगा या नहीं, हमारा सिलेबस कवर होगा या नहीं। तो आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर किया गया है लाइव क्लासेस में। जो मुझे ये लगेगा कि आपको ये टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में लेके चलना, उसको हम डिटेल में लेके चलेंगे, और जहाँ मुझे ये लगता है कि आपको वहाँ वीडियो से सब कुछ हो जाएगा आपका, तो उसको लेके चलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप थ्योरी, जैसे आपका मॉडर्न अलजेब्रा मेन टाइम हमें लगना है मॉडर्न में, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, मॉडर्न को डीप अच्छे से हमने बताया हो, यानी कि इसके लेक्चर ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं। तो इस जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस में लाइव क्लासेस में जब उनको देखोगे तो आपका 101% हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे का तो क्या है बच्चों, 2 घंटे तो मैं आपको लाइव में लेके चलने वाला हूँ, ठीक है। 2 घंटे तो मैं आपको लाइव में लेके चलने वाला हूँ, और डेली का कम से कम 5 से लेके 6 घंटे मैं आपको काम देने वाला हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का, ताकि हमारा टारगेट ये होगा एक बिल्कुल 0 लेवल से अपर लेवल तक जाए। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, कंप्लीट ही अगर हम लाइव में लेके चले 8 घंटे, तो पॉसिबल नहीं बच्चों। 8 घंटे की क्लास आप डेली लाइव में कर नहीं पाओगे, सिलेबस नहीं कवर होगा। तो हमें दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे, लाइव भी चलेंगे, जिन टॉपिक को मुझे ये लगेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिन टॉपिक पे मुझे ज़्यादा लेके चलना उसको लाइव में लेके चलेंगे। जो ऐसे टॉपिक है कि जो अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी बनाए गए हैं उनको आप रिकॉर्डेड में देखोगे, ओके। तो ये हमारा वर्क रहा करेगा, तो इसलिए माइंड से ये चीज़ तो स्किप कर दीजिए कि सिलेबस कवर होगा या नहीं। तो सिलेबस तो बच्चों ऑलरेडी ही हमारा कवर है, हमने पहले ही अच्छे से कवर किया गया है, लेकिन फिर भी हम लाइव में क्या लेके चलेंगे, हम उन टॉपिकों को लेके चलेंगे कि जहां आप ये कहो कि हाँ हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल टोपोलॉजिकल स्पेस है, वहां आपने अच्छे से नहीं किया हुआ, उसको हम लाइव में लेके चलेंगे। या फिर ओडी है, उसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम लाइव में लेके चलेंगे। यानी जहां मुझे ये लगेगा
कि आप अटक सकते हो। जैसे अगर हम बात आ जाते हैं रियल में, लिमिट कंटिन्यूटी डिफ्रेंसिबिलिटी है, वहां उसको भी लाइव में लेके चलेंगे। तो यानी जहां मुझे ये टॉपिक लगेगा आपको कि मुझे जहां आपको ज्यादा कमांड देनी है, और जहां मुझे ये लगेगा कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है बच्चों, हमारा टारगेट है अच्छे से तैयारी करना और कम से कम एक या दो बार रिवीजन भी हो जाए। क्या हो जाए हमारी? कम से कम एक या दो बार रिवीजन भी हो जाए। तो इसलिए क्या है, माइंड में ये सेट कर लो कि हार्डवर्क करना, तैयारी करनी है। कई जैसे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं, सर अदर पेपर को भी आप स्टार्ट कर लीजिए ना, ताकि हम सब पे फोकस कर पाए। तो मैं कहूँगा बच्चों देखो, अभी सभी स्टूडेंट की डिमांड सिर्फ मैथमेटिक्स पोर्शन की है, तो हम अगर क्या है एक दो तीन बच्चों के लिए अगर अलग से हम हायर करते हैं टीचर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सभी बच्चों की डिमांड रहेगी कि अदर जो सब आएगा पेपर में उसकी भी तैयारी करें, तो डेफिनेटली हम उस पर आगे वर्क करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी टारगेट है वो ये है कि मैथमेटिक्स पोर्शन को हमें कवर करना है। तो इसलिए क्या है, अपने जी जान लगा दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर अब नहीं किया ना तो फिर वही रहेगा, कास कर लेते, ठीक है। और फी मैंने आपको बताया है, फी आपकी सिर्फ और सिर्फ पूरे कोर्स की जो है 10,000 रुपये रखी गई है, ठीक है, जिसमें आपको क्या है टेस्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेज भी होगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, कंप्लीट आपको बेसिक से हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अगर आपका टारगेट ये है कि आने वाले जो एग्जाम है उसको 101% क्वालिफाई करना, नॉलेज को गेन करना, क्योंकि देखो अगर आप ये सोच के चलते हो कि प्लस वन प्लस टू लेवल का आप तैयार कर लेते हो और सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं फिर वही कहूँगा बच्चों इम्पॉसिबल है। प्लस वन प्लस टू के लेवल से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के सिलेबस पे जाना होगा, ठीक है। तो इसलिए हार्डवर्क कीजिए, और ये हमारी इसकी हम जो है टाइमिंग रखने वाले हैं। इसमें ये बेनिफिट होगा, सपोज कीजिए आप उस दौरान प्रेजेंट नहीं हुए तो उस लेक्चर को आप बाद में भी देख सकते हो। ये नहीं है कि आप लाइव क्लास में अगर प्रेजेंट नहीं है तो लेक्चर को बाद में नहीं देख पाओगे, नहीं, आप अगर प्रेजेंट नहीं है तो लाइव लेक्चर को आप बाद में देख पाओगे। अच्छा, हार्डवर्क की अगर मैं बात करूँ, मेरा टारगेट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को लेना है जो एक्चुअलिटी में हार्डवर्क करेंगे, और एक्चुअलिटी में हार्डवर्क करेंगे इसलिए सिर्फ हम लिमिटेड स्टूडेंट लेके चलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट लेके चलेंगे। हमारा टारगेट ये है कि 30 स्टूडेंट तक ही हम रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका टारगेट अगर ये है कि आपको तैयारी करनी है आपको, तो आप इनरोल करवा सकते हो, और आपका ये है कि आप सेल्फ से करोगे तो आपको ऑल दी बेस्ट। और मंडे से हमारी क्लास जो है कंटिन्यूटी से हम लेके चलेंगे, मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास हुआ करेगी, और संडे को हमारा जितना भी एक वीक में हम स्टडी किया करेंगे उसका हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ करेगा। उससे ये होगा कि आपको ये आपकी मुझे ये पता चल जाएगी आपकी कंटिन्यूटी क्या चली हुई है, क्योंकि मैं उसको फिर एवरी वीक का आपको एनालाइज करते हुए चलूंगा, ताकि मुझे ये पता चले कि एवरी स्टूडेंट का किस पे मुझे कितना हार्डवर्क करना, कौन कैसे तैयारी कर रहा है, और समय समय पे मार्गदर्शन करता रहूंगा, बताता रहूंगा कैसे वर्क करना है, क्या करना है, क्या नहीं है। तो इसलिए क्या है, सभी जो है अपनी जी जान लगा दीजिए, हार्डवर्क करना शुरू कर दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और भगवान ने चाहा डेफिनेटली आपका जो आने वाला ये जो एग्जाम है ये आप क्वालीफाई कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम सभी मिलते हैं मंडे की हमारी पहली क्लास के अंदर, और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हम सीखने की कोशिश करते हैं। आई होप आप सभी मेरे साथ मिलके तैयारी करने को रेडी हो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम सभी मंडे को।